मेहंदी है रचने वाली, आई मीन ऐसा कह रहे हैं बांग्लादेश वाले कि भाई ये रच गई है मेहंदी, ये मिराज जो है ये उड़ गया है और भारतीय उम्मीदों को अपने साथ ले गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सेक्शन ऑन इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपको पता है लास्ट एक मैच हुआ जिसमें बांग्लादेश जीत गया और इंडिया हार गया, और इंडिया हारा लेकिन ये कोई टक्कर का मैच नहीं था, बिल्कुल एकदम एंड मौके पर इंडिया के पास पूरा मौका था बांग्लादेश की टीम को हराने का, और वो एक विकेट से बांग्लादेश की टीम को हरा सकती थी, लेकिन कमियां कहां कहां रही और ये हम सुनेंगे आकाश चोपड़ा जो जिन्होंने ये एनालाइज वीडियो बनाया है और डीप बातें की हैं कि क्यों इंडिया हारा और क्यों बांग्लादेश जीत गया। ये डिटेल्स में देखते हैं गाइस इस वीडियो में, और आकाश चोपड़ा का एनालाइज वीडियो देखना तो बनता है, एंड तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ, अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेहंदी है रचने मेहंदी है वाली, रचने आई मीन वाली। ऐसा कह रहे हैं बांग्लादेश वाले कि भाई ये रच गई है मेहंदी, ये मिराज जो है ये उड़ गया है और भारतीय उम्मीदों को अपने साथ ले गया है। ये नहीं सोचा था। देखिए, वेल वेल बी ऑनेस्ट, हालांकि बांग्लादेश को इस फॉर्मेट में उन्हीं के घर में हराना आसान नहीं होता है, पर जब भारत की पूरी फुल स्ट्रेंथ साइड पहुंचती है तो फिर ये उम्मीद की जाती है कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा। कन्विंसिंगली नहीं भी जीतेगा तो भी दे क्रॉस द लाइन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरी विकेट के लिए 51 रन की अनडिफीटेड साझेदारी, एक तरफ से मेहदी हसन मिराज, सामने थे मुस्तफिजुर रहमान। सवाल शायद आता है जहन में, अगर वो राहुल कैच पकड़ लेते, अगर वॉशिंगटन सुंदर को एक दो ओवर और मिल जाते, इंडिया से कहां हुई गलतियां? वॉज इट अ पुअर डिस्प्ले विद द बैट, या फिर बोलर्स ने किया है लेट डाउन, या फिर बांग्लादेश वो सिंपली अनस्टॉपेबल? भैया करनी पड़ेगी बात, लेकिन सबसे पहले रोल बंपर। क्रिकेट की पूरी कहानी You get only on hashtag Akashwani. Betway hashtag Akashwani में आप सभी का स्वागत है। पड़ोसियों के लिए मतलब मिठाई मैंने रखी नहीं है, पर होती तो मैं आपको दे देता पड़ोसियों। कांग्रेचुलेशन, आप मुकाबला जीत गए। और दूसरी तरफ वाले जो हमारे मतलब लेफ्ट राइट दोनों पड़ोसी इस समय मतलब दे आर ऑन द वर्ज ऑफ सेलिब्रेटिंग। एक तो सेलिब्रेट ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि 1-0 से आगे हो गए, दूसरे पाकिस्तान मुझे लगता है कि जब ये आज का दिन शुरू होगा 5th डे, आई थिंक दे शुड विन इट। अगर नहीं जीतेंगे तो दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम, क्योंकि बिल्कुल सपाट पिच के ऊपर बहुत ज्यादा रन बचे नहीं है, 8 विकेट अभी भी हाथ में है, तो भैया पाकिस्तान वहां जीत जाना चाहिए। बांग्लादेश यहां में हरा चुका है, आई मीन कर क्या रहे हो यार। पर अब जरा अपनी बात करते हैं, जहां पे भारत वर्सेस बांग्लादेश का मैच ढाका के मैदान पे होता है, और फैंटेसी क्रिकेट जितने भी लोग खेलते हैं इंक्लूडेड मी, सब के सब ये कहते हैं भैया यार प्लीज पिच रिपोर्ट पे थोड़ा सा फोकस चाहिए अपन को, क्योंकि आप जो कहते हो अगर उससे बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है तो अपन लोग फंस जाते हैं। और टेलीग्राम का मैंने यहाँ लिंक आपको दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब डाउनलोड टेलीग्राम करके आ जाइएगा यहाँ पर। अपनी टीम ने फिर भी ठीक किया, लेकिन इससे बेहतर करती अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता कि ये पिच बैटिंग के लिए नहीं है, एक्चुअली बोलर्स के अनुकूल पिच बनाई गई है, तो मतलब थोड़ा गच्चा खा गए हम लोग। अब भारतीय टीम के सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामने वाली टीम में तमीम इकबाल नहीं है, उनकी जगह अब स्टैंड इन कैप्टन जो लिटन दास है। भारतीय टीम इज एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि ऋषभ पंत इज अनअवेलेबल, उनको मेडिकल एडवाइस के चलते उनको इस सीरीज से रिलीज कर दिया गया है। क्या परेशानी है एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मुझे तो पता चली नहीं है, पर जा चुके हैं तो टेस्ट के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, ओडीआई के लिए उपलब्ध नहीं है। मोहम्मद शमी इस श्रृंखला के लिए पहले ही उपलब्ध नहीं थे, उनके शोल्डर में प्रॉब्लम है, और तो उनकी जगह कुलदीप सेन का मौका भी मिला, उनको खेलने का मौका भी मिला। और इस बार भारतीय टीम ने एज मेनी एज व्हाट नंबर 9 पे भी बैटिंग थी भैया, दीपक चाहर एट नंबर 9, यानी कि एज मेनी एज व्हाट 1 2 3 4 5 6 तो बॉलर के विकल्प थे और 4 उसमें से ऑलराउंडर थे। कहां इंडियन टीम में एक ऑलराउंडर नहीं होता, होते हैं तो 4-4 हो जाते हैं मतलब, लेकिन 4 चांद लगा नहीं पाए। भारतीय टीम बहुत सारे ऑलराउंडर के साथ उतरी, यानी कि केएल राहुल हु हैज टू बैट एट 5 क्योंकि शिखर धवन अब आ चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, यू गॉट एज मेनी एज 4 ऑलराउंडर्स, और उसके बाद कुलदीप सेन नॉट यादव और मोहम्मद सिराज, तो 4 फास्ट बॉलर के विकल्प, 2 स्पिन के फिंगर स्पिन के विकल्प, और बाकी भारतीय बल्लेबाजी के साथ उतरे। टॉस जीता बांग्लादेश ने, गेंदबाजी का किया फैसला और हम सबको हैरान परेशान मतलब चौंका दिया यार, आई मीन कैसे कर लेते हो भैया। सबसे पहले यहीं पे अब बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच POTM इज शाकिब अल हसन, ऑफकोर्स मेहदी हसन मिराज ने एंड में आके वो सारी कहानी बदल दी, पर
देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, जो बाद में होता है सबको याद रहता है, इट वॉज एन अनलाइकली विन जो मेहदी हसन मिराज ने संभव करके दिखाई, लेकिन 186 पे अगर आप भारत को रोक देते हैं या फिर नहीं रोक पाते हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाता काम ना। तो यहाँ पर जो 5 विकेट चटकाता है फाइफर यार, आई मीन 5 विकेट चटका दिए शाकिब अल हसन ने और बड़े बड़े खिलाड़ियों को गच्चा दे दिया, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे फिर वो हो रोहित शर्मा, भाई सबको सबको धूल चटाई। इनफैक्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू इट, कोहली को आउट किया, रोहित को आउट किया, उसके बाद केएल राहुल को तो नहीं किया, वाशिंगटन सुंदर को आउट किया, ठाकुर और चार को आउट किया, मतलब पंजा यार पंजा तो मतलब इट्स फिनोमिनल। 29 रन भी बनाए 38 गेंदों में जब तक वो मौजूद थे, जब तक वो कोहली ने कमाल का कैच नहीं पकड़ा था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मैच भी जिता कर जाएंगे। तो मेरे बेटवे प्लेयर ऑफ द मैच इज डेफिनेटली विदाउट अ डाउट शाकिब अल हसन। और आप बेटवे इफ यू आर इनटू स्कोर्स एनालिसिस न्यूज अपडेट्स हम लिंक डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज डू चेक इट आउट, जहां जहां पे अवेलेबल है प्लीज गो एंड चेक इट। सो गाइस वीडियो देखने के बाद एक्चुअली जिन लोगों ने मैच देखा है ना तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो एनालाइज जो वो देख रहे हैं तो ये उनको पहले से पता होगा, बिकॉज जो लोग मैच देखते हैं ना वो उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं और इस छोटी छोटी सी चीजों को जिसकी वजह से मैच हारा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है तो वो इन चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। तो जहां पर इस मैच की बात की जा रही है जहां पर बांग्लादेश विन हो गया और बांग्लादेश जीता, बात ये नहीं है बांग्लादेश जीता और वो भी 9 मतलब विकेट्स के बाद 135 में 9 विकेट्स और 185 या 86 रन बनाने थे, इतना जो गैप रहा और एक विकेट, इतने सारे जो कैचेस हैं और जो 4 गए वो छूट गए, तो ये एक कहीं ना सोचने वाली बात है इंडियन टीम के लिए। तो जैसा कि जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें कमी रही और फील्डिंग में कमी रही, तो ये जो पिच थी ये एक बॉलर्स के लिए थी, इतना बैट्समैन तो इसमें इतने सारे बॉलर्स थे, इवन 4 ऑलराउंडर थे और बाकी सारे बॉलर्स थे, तो फिर भी उसके बाद भी जो है बांग्लादेश इतने गैप से जीत गया। पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है इसमें कि 135 पे 9 होने के बाद और 186 रन बनाने हैं उसके बावजूद इतने गैप में फिर भी एक विकेट रह गया था, अगर वो एक विकेट हो जाता, अगर वो कैच कर लिया जाता जो मतलब निखर के आई है ना ये जो कमियां, तो ये मुझे लग रहा है जो इंडिया टीम है और जो जैसे कि प्लेयर्स का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि किन प्लेयर्स का सिलेक्शन किया जाए पिच के हिसाब से, कौन कौन की टीम में होने चाहिए कौन कौन टीम में नहीं होने चाहिए, सो कुछ जो प्लेयर्स हैं वो बिकॉज ऑफ सम रीजंस नहीं आ पाए, तबीयत खराब थी या जो भी था, लेकिन जितने भी आप देख रहे हो जो शाकिब है उन्होंने, बांग्लादेश के एक बॉलर हैं शाकिब, उन्होंने 5 जो प्लेयर्स हैं उनको आउट कर दिया और वो प्लेयर्स कोई ऐसे वैसे प्लेयर्स नहीं, मतलब इतने अच्छे बढ़िया खेलने वाले प्लेयर्स। तो ये जो मैच है ना ये कहीं ना कहीं अनबीटेबल मैच है ये, और मतलब बराबरी का मैच आप ये कह नहीं सकते क्योंकि इतना गैप होने के बावजूद ना और फिर मतलब वो कैच छूट रहे हैं और वो सब कुछ, मेरे को लग रहा है कहीं ना ये सब होता है ना तो किसी ना किसी टीम का ना मोरल डाउन हो ही जाता है, तो वो मुझे लग रहा है कि मुझे इंडिया टीम में देखने को मिला। अगर आप लोग अग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी थोड़ा बहुत जैसे ओस पड़ा तो मुझे लग रहा है 20-30% एडवांटेज मिल गया बांग्लादेश की टीम को जीतने का, लेकिन फिर भी हमारी इंडिया की कहीं ना कहीं कमी थी बॉलिंग में, फील्डिंग में, लास्ट ओवर्स में, सो कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया इंडिया की टीम ने। सो गाइस आपको कैसा लगा ये एनालाइज वीडियो, आप लोग क्या सोचते हो, अगर आपके पास कोई सजेशन है आप चाहते हो उस पर रिएक्शन दूँ उसका लिंक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।